तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एमएस ऑफिस के बारे में। जी हाँ, एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस में हमने जैसे बताया था आपको शुरुआत में कि एक्सेल जो होता है रजिस्टर होता है, डिजिटल रजिस्टर स्प्रेडशीट। एमएस वर्ड लेटर ड्राफ्टिंग के लिए यूज की जाती है, मतलब कि जो हम सादे कागज पे काम करते थे वो हम एमएस वर्ड पे काम करते हैं। तो हम एमएस वर्ड से ही शुरू कर रहे हैं अपने सेशन को। तो जैसे आप एमएस वर्ड खोलेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा, जिसमें आपको यहाँ आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपकी यूज किया आपके जो आप यूज किए हुए टेम्पलेट्स है उसका लिस्ट आएगा और आपके फाइल के लिस्ट आएगा। अब हम सीधे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो जैसे आपको एक प्लेन पेपर मिल जाता है, ऐसे यहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा जिसपे आप अपने हिसाब से टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन टाइपिंग करने से पहले अपने फाइल को करना होगा सेव, क्योंकि अभी देखिए डॉक्यूमेंट वन है जो कि फाइल आपका सेव नहीं है। ओके, तो यहां देखिएगा आपका, आप यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट 365, आप जो यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर रहे हैं, इसमें आपको मिलता है वन ड्राइव। वन ड्राइव का मतलब ये हुआ कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करेंगे ये आपके लोकल पीसी पे रहेगा, साथ साथ आपके क्लाउड पे भी चला जाएगा। क्लाउड पे जाने से बेनिफिट ये रहेगा कि आप जैसे कि टैब में या फिर मोबाइल फोन में या किसी और पीसी पे अगर एक्सेल यूज करेंगे, आपको फाइलें चाहिए होगी, तो आप बस माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को डाउनलोड कर लेंगे, सही रहेगा। 1 TB का जो है स्पेस आपको मिलता है। तो ये चीजें जब फाइल सेव करेंगे ना, उस समय डिसाइड करना होता है कि आप फाइल सेव कहाँ करने वाले हैं। जैसे वन ड्राइव में करने वाले, जैसे वन ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे फाइल आप सेव कर सकते हैं। तो ये सारे फाइल वन ड्राइव में सेव हो जाएगी। नहीं, मुझे वन ड्राइव सेव नहीं करना, मुझे लोकल पीसी पे सेव करना है, क्योंकि वन ड्राइव पे सेव करने के बाद क्या होता है कि उसको रिनेम वगैरह और बाकी चीजों करने में प्रॉब्लम हो जाती है। हर बार लॉगिंग वगैरह रहना, इंटरनेट वगैरह रहना कंपल्सरी हो जाता है, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती है, ज्यादा तो नहीं, हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम ब्राउज पे जाते हैं और अपना लोकल डिस्क सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने डी ड्राइव सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया डॉक 1 डॉक 2, जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे फर्स्ट डॉक सेलेक्ट करके सेव कर दिया। अब मेरा फाइल सेव हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया द IPT एक्सेल स्कोप। ओके, अब मैंने इस फाइल को मान लीजिए कि क्लोज कर दिया, यहाँ ऊपर क्लोजिंग है, मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करते से पूछ रहा है अब सेव, आप बोलेंगे सर सेव तुमने जस्ट किया, क्यों पूछ रहा है? तो कहने का मतलब है कि आप जो सेव किए तो सेव करने से पहले, सेव करने के बाद आपने ये IPT एक्सेल स्कूल को टाइप किया। तो ध्यान रखिएगा कि आपने सेव कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फाइल सेव हो गया। आप हर टाइम फाइल सेव आपको करना पड़ेगा, जितना भी काम करेंगे, जब भी कोई काम करेंगे उस काम में आपको सेव करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद मुझे वापस उसी फाइल को ओपन करना है, तो दो तरीके हैं। पहला कि आप जाएं जहां पे सेव किए थे वहां पे जाएं और जो फाइल आपने सेव किया है फर्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लें। पर कई बार क्या होता है कि आपने जो फाइल बनाया है ना, वो तो याद नहीं रहता है कि आपका फाइल कहाँ बनाया था, कौन सा फाइल बनाया था, समझ में नहीं आ। तो हाँ उस केस में ओके आप क्या करेंगे, कोई आप एक नया ब्लैंक बुक माने कि सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन करते ही रिसेंट में आपका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपने जो रिसेंटली जो फाइल यूज किया है उसका लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्योंकि होम वाला लिस्ट में आपका थोड़ा सा कम होता है, मैं 5-10 फाइलें ही होती है, लेकिन जैसे आप न्यू यहाँ पे जाएंगे ओपन पे जाएंगे तो वहाँ आपको लिस्ट बहुत सारा लिस्ट मिलेगा, काफी ज्यादा लिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। शुरुआती में बेसिक सीखते समय प्रॉब्लम होती है। अब जब भी हम टाइपिंग शुरू करते हैं तो दो तीन चीजें देखते हैं। पहला अपना रूलर, जैसे मार्जिन जिसको हम लोग बोलते हैं, याद होगा हम लोग जब बचपन में स्कूल में लिखते थे तो हम लोग क्या करते थे, जो हमारे एग्जाम पेपर मिलता था तो हम लोग उसको क्या करते, मोड़ के थोड़ा सा एरिया छोड़ देते थे, लाइन कर देते थे। ठीक है ना, क्यों छोड़ते थे? लिस्टिंग के लिए, नंबरिंग के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। तो ये चीज यहाँ भी सेम चीज आता है कि अगर आपको मार्जिन छोड़ना है तो ये आपका हो जाएगा टॉप का मार्जिन, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट का मार्जिन। तो मार्जिन को कम या ज्यादा यहां से क्लिक करके कर सकते हैं।
ठीक है, अच्छा लेकिन पूरा मार्जिन मत कर दीजिए, बना प्रिंट आउट में क्या होगा कि उतना ये कट जाएगा। जब आपका प्रिंट आउट प्रिंटर से प्रिंट निकालेगा तो पेपर को पकड़ने के लिए थोड़ा बहुत स्पेस तो चाहिए ना, फिर वो पेपर को लेकर और आगे की तरफ खींचेगा, मतलब पेपर को स्लाइड करेगा, क्लिप का जो होता है, क्लिप टाइप का जो होता है, जो पेपर को लेके इस तरह से खींचता है। तो अगर आपने मान लीजिए कि पूरा ऊपर तक मार्जिन कर दिया तो थोड़ा दो चार लाइन आपको कटने का डर हो, ठीक है। या फिर आप लेटर हेड पे प्रिंट कर रहे हैं तो आप स्केल लीजिए, स्केल से लेटर हेड की हेडिंग को देखिए और उस हिसाब से उतने हेडिंग को यहां से आप कम कर दें, ठीक है, ताकि ऊपर लेटर हेड के जो हेडिंग है वो प्रिंट हो जाएगा, उस पर प्रिंट नहीं होगा, उसके नीचे प्रिंट होगा। लेटर हेड की हेडिंग हो गई, स्टाम्प का हेडिंग हो गया, उस सब के लिए मार्जिन को सेट करते हैं। दूसरा, ये आपको दिख पा रहा है कि मैं लेफ्ट का मार्जिन बढ़ाना चाहता हूं, तो यहां से भी आप लेफ्ट का मार्जिन बढ़ा सकते हैं। तो मार्जिन समझ में आ गया, माउस से पकड़िए, हटा दीजिए, यहां से निकाल दीजिए, और इस तरह से बॉटम है तो आपका बॉटम का मार्जिन। तो आपको मार्जिन जो है, आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चार मार्जिन यहाँ पे आपको मिलेगा सही करने का। अच्छा और ठीक कभी है कभी कभी क्या होता है कि जो मार्जिन दिख रहा है ना आपको, ये दिखेगा नहीं, हो सकता है कभी कभी ऐसी सेटिंग होती है कि मार्जिन आपको दिखेगा ही, तो उस केस में आपको जाना होगा व्यू के अंदर। व्यू दिख रहा है, व्यू टैब, व्यू दिख रहा है। व्यू, हाँ हाँ व्यू टैब के अंदर आप ये दिखेगा रूलर, क्या दिखेगा, रूलर, रूलर 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 जैसे आप क्लिक अच्छा करेंगे तो आ जाएगा, रूलर हटा दीजिए, देख हट गया। अच्छा ऐसे रूलर गायब नहीं होता है, लेकिन कई बार किसी माने हटा दिया बड़ा स्क्रीन देखने के लिए, फुल पेज देखने के लिए, तो उसमें होता है। ओके ओके समझ गए। समझ गए अब मान लीजिए कि आपको कुछ बनाना है, शुरुआत में आपको कुछ बनाना है, लेकिन क्या है कि अभी तक आपकी एमएस वर्ड की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई नहीं है, जिस कारण से आपको थोड़ी सी नॉलेज नहीं है कि क्या करना है। ओके तो आप मान लीजिए आपको अपना बायोडाटा ही बनाना है, या कोई सर्टिफिकेट बनाना है, या कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाऊं क्योंकि अभी आपकी नॉलेज कम है, तो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे टेम्पलेट है, दिख रहा है, अच्छा हाँ यहाँ पे टेम्पलेट तो जैसे मान लीजिए कि आपको रिज्यूम बनाना है या कुछ और बनाना है, अलग अलग यहाँ पे, जैसे बिजनेस रिलेटेड यहाँ पे आ जाता है, तो बिजनेस रिलेटेड जो चीजें होगी यहाँ आ जाए, लेकिन इसके लिए ध्यान रखिएगा पीसी का इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बिजनेस कार्ड दिख रहा है आपको, तो विजिटिंग कार्ड बनाना है, आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए, ये आपका विजिटिंग कार्ड यहाँ, यहाँ पे आप लीजिए, डबल क्लिक करके लोगो डाल लीजिए यहाँ से, चेंज पिक्चर भी क्लिक कीजिए, दिस डिवाइस, और कोई भी किसी भी तरह का लोगो ले लीजिए, कोई पिक्चर ले लीजिए, इंसर्ट क्या आ गया, लोगो बड़ा होना चाहिए, छोटा है लेकिन बड़ा, मान एकदम देख लीजिए, बाकी साइज यहाँ पे एंट्री कीजिए और चेंज कर लीजिए। मतलब ये तो थोड़ा थोड़ा टफ हो गया, अब थोड़ा सिंपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए रिज्यूम है आपका, आपको रिज्यूम ही बनाना है, तो आप न्यू में गए, यहाँ पे आप रिज्यूम सर्च कीजिए, हो सकता है ये तो मैंने बहुत सारे यूज किए हुए यहाँ लिस्ट में दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आपने यूज नहीं किया तो आपके सिस्टम में नहीं दिखेगा, तो आपको लगा कि हाँ ये रिज्यूम सही है। ये सारी एग्जाम्पल्स जो है ये ऑलरेडी होंगे या डाउनलोड करने जी पड़ते हैं। ऑलरेडी होंगे आपके सिस्टम में, अच्छा ठीक हमने क्लिक किया, क्रिएट है किया, बस मैम खुद ही वो इंटरनेट का, एग्जाम्पल हाँ इसमें वो इंटरनेट का करना कनेक्शन, है। इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने दिख गया, ये बना बनाया फॉर्मेट है, अब यहाँ पे अपना फोटो चेंज कर लीजिए, यहाँ अपना नाम डाल दीजिए, जो डिटेल डालना है डाल दीजिए, बना हुआ फॉर्मेट है, बस आपको यूज करना है, टाइप करना है बस। ठीक है। तो उसी तरह से हर कैटेगरी का यहाँ पे आपको मिलेगा, बस उसको आप यूज करना है। और अब लर्निंग स्टार्ट करेंगे तो लर्निंग स्टार्ट करते समय ये चीज भी आपको ध्यान रखना होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट लीजिए और उसको इस्तेमाल करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। ठीक है हो जाएगा अब
अब बात करते हैं एमएस वर्ड पे टाइपिंग। तो एमएस वर्ड इससे पहले आपने यूज किया है कि नहीं किया? कभी कभी यूज किया है। देखिए, अब एमएस वर्ड के ऊपर टाइपिंग करना है, तो जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दिया यहाँ पे द एक्सल स्कूल, राइट। अब ये क्या है मेरा, ये टाइटल है, तो अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपके सामने स्टाइल है, इसको मैंने अपना स्टाइल बनाया कि हेडिंग वन है, हेडिंग टू है, या टाइटल है, ठीक है ना, या सब टाइटल है, स्ट्रॉन्ग है, या ये इस तरह का है, तो जो चाहिए बन जाएगा, बन गया। अब इसकी साइज जो है ये आपको दिख रहा है यहां से, ये इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ओके, अब मुझे टाइप करना है यहां से, अब मुझे मुझे यहां से नहीं थोड़ा सा स्पेस देना है, एंटर प्रेस करके नीचे आ जाइए, यहाँ आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप टाइप करना चाहे वो तो टाइप कर सकते हैं। अब मैंने रैंड कर दिया, हमने क्या किया, यहाँ से देखिए यहाँ पे भी चलता है, हमने देखा रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर मार दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे एक पैराग्राफ दे दिया, ठीक है, ओके तो आपके सामने दिख गया। अब यहाँ पे फर्क देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये यहां से यहाँ के बीच में पैराग्राफ है, मतलब कि एक पैराग्राफ खत्म हुआ, यहाँ दूसरा पैराग्राफ ओपन किया, ठीक है, तो एंटर प्रेस किया गया। और मुझे इस पे कुछ करना है तो पहले पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने एक्सेल में बताया था कि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट की इंपॉर्टिंग है कि आप अपने हिसाब से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कि भाई फॉन्ट मतलब लिखावट, किस तरह का लिखावट होना चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक ठीक है। है उसके बाद ठीक है, अपने करना अपना फॉन्ट का साइज की कितना बड़ा साइज लिखिएगा, तो अभी क्या है कि आपको है फिक्स साइज पता है तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए, अदरवाइज मैनुअली बढ़ाना और घटाना है तो यहाँ से आप मैनुअली घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी है, जैसे कि इसको सेंटेंस केस में करना है, कभी भी टाइप करते हैं तो हम ये ध्यान नहीं रखते कि फर्स्ट कैपिटल बड़ा, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो या लोअर हो, तो यहाँ पे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं द एक्सेल स्कूल लिख दिया, मुझे इसको कैपिटल में लिखना था, तो इसको लेंगे और इसको कैपिटल में हम चेंज कर देंगे, अपर केस करेंगे तो कैपिटल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो एरिया सिलेक्ट करेंगे उसी एरिया को करेगा, बाकी को नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ए के साथ फॉर्मेट है यहाँ पे, तो ये अलग चीज है। ये जो क्या करता है कि आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसे मान लीजिए मैंने इस पे कलर वलर लगा दिया गलती से, मैं चाहता हूँ ये हट जाए, अजीब सा लग रहा है ना, तो यहाँ पे जाइए और क्लियर फॉर्मेट, इरेजर वगैरह साइन बना हुआ, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ऑल फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऑल फॉर्मेटिंग में बैकग्राउंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड हाईलाइटर लगाया हुआ है, तो हाईलाइटर नहीं होगा। इसके अलावा जो बाकी फॉर्मेटिंग होती है, जैसे मैं इसकी कलर रेड कर देता हूँ, इसमें इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो देख हट गया, तो ये हाईलाइटर, ठीक है। उसके बाद आपको मान लीजिए कुछ कुछ सेंटेंस को बोल्ड करना है, जिस सेंटेंस को बोल्ड करना है यहाँ पे बी कर दीजिए, कुछ कुछ सेंटेंस पे आपको बोल्ड के साथ अंडरलाइन भी करना है, जैसे वीडियो को बोल्ड और अंडरलाइन दोनों करना है तो कर सकते हैं, इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा करना है टेढ़ा कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए मुझे चूज गलत है तो इसको स्ट्राइक थ्रू करना है, दिख रहा है, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक मेजरमेंट डाला है, वो डाला है 10 फीट, मैं चाहता हूँ फीट जो है थोड़ा ऊपर चला जाए, तो सिलेक्ट कीजिए ये आपका स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो ये फीट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे वाटर का केमिस्ट्री फॉर्म लिखा है, जिसमें लिखा है H2O, मैं चाहता हूँ 2 नीचे आ जाए, तो सिलेक्ट कीजिए और इसको स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। तो ए यहां से इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर डॉट लाइन, अंडरलाइन तो करना है बट डॉट लाइन लगाना है, तो अंडरलाइनिंग पे जाएंगे तो देखिए डॉट लाइन दिखेगा, या डैश डैश, या इस तरह का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं ये हमारे इफेक्ट पे है, मुझे कुछ वर्ड पे अपने हिसाब से इफेक्ट देना है, जैसे इसको मुझे अपने हिसाब से थोड़ा अलग इफेक्ट देना है,
तो इफेक्ट पे यहाँ पे देखिए ये आपको अलग इफेक्ट है, जो इफेक्ट चाहिए उस इफेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस इफेक्ट का आपका हो जाएगा। इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं, या इसको शैडो में देना चाहते हैं, या इसको ग्लो करवाना चाहते हैं साइड से, ठीक है ना, या फिर इसको इस तरह से फ्लाइनिंग पे, ये अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए ये टूल्स हैं जिसको यूज ले सकते हैं आप। ओके, अब मान लीजिए कि कुछ चीज हाईलाइट से हाईलाइट करनी, मान लीजिए किसी ने डॉक्यूमेंट भेजा आपको क्यूसी करने के लिए, आपने क्यूसी किया, कुछ चीजों पे ध्यान देने वाली बात है तो उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, ठीक है ना। तो एक हुआ टेक्स्ट कलर कि मुझे इस कलर को रेड कर देना है तो टेक्स्ट कलर हो जाता है, एक होता है हाईलाइटर जो कि उसको हाईलाइट करता है, नॉर्मली हाईलाइटर से हाईलाइट नहीं करते हैं, हाँ वो हाईलाइटर से हाईलाइट कर देगा। अब इसमें आता है, इसके अंदर आता है आपका अलाइनमेंट, फॉन्ट समझ में आ गया, फॉन्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं अब बात करते हैं पैराग्राफ की, सबसे पहले हम बात करेंगे अलाइनमेंट की, तो ये लेफ्ट से है, अगर सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, मिरर के मिरर से हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो लेफ्ट है, तो इसमें देख सकते हैं आप कि आपका जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो राइट से तो आपका पूरा का पूरा मैनेज है ना, बट यहाँ कम ज्यादा दिख रहा है आपको, तो ये आपको आता है, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। अब इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं, जस्टिफाई कर देंगे तो पूरा का पूरा एक देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ था यहाँ भी इस लाइन में बराबर हो गया, यहाँ भी बराबर हो गया, तो उसने वर्ड को इस तरह से अरेंजमेंट कर देता है, माने कि कुछ डाल देता है कुछ हटा देता है ताकि वो पूरा का पूरा जस्टिफाई हो जाता है, और मोस्टली हम लोग जस्टिफाई करते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ओके, अब यहाँ पे फिल कलर है, हाँ सी फिल कलर, बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं, बोले बैकग्राउंड कलर में क्या फर्क है, हम तो हमने अभी अभी जस्ट हाईलाइटर किया, हाईलाइटर क्या करेगा, जैसे मान लीजिए इस लाइन को मुझे हाईलाइट करना है तो जितना में टेक्स्ट होगा उतना ही एरिया को करेगा हाईलाइट, समझे, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है उस पूरे लाइन को हाईलाइट करेगा, दिख रहा है आपको, तो हाईलाइटर हाईलाइट करता है। उसके अलावा और भी चीजें हैं इस पे, लेकिन ये चीज हम आपको अगली क्लास में, कल की क्लास में कराएंगे, फिलहाल आपको क्या करना है कि इस पे वर्ड पे पहले तो आप कुछ टेम्पलेट बना हुआ है, उस टेम्पलेट को थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप इस पे एक कोई बुक आपका होगा, आप एमबीए कर रहे हैं आपके पास एमबीए का बुक होगा, उस एमबीए का बुक को लीजिए और उसके अंदर कोई भी एक चैप्टर को टाइप करने की कोशिश शुरू कर दीजिए, ठीक और कम से कम 4-5 पेज जो है आप वर्ड में डेली टाइप करेंगे जब तक क्लास चले तब तक, कम से कम 5 पेज, ओके क्यों वैसा क्यों बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि आपके बॉस ने बोला कि मुझे एक लेटर ड्राफ्ट करके दे दो, चाहे आपको ही कोई कुछ कुछ टर्म एंड कंडीशन करने हुए, पता चला कि आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी स्लो है जो आपने 2 पेज की टाइप करने में पूरा दिन लगा दिया, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप टाइपिंग का काम करोगे, लेकिन समटाइम हमें जरूरत पड़ जाएगी ना, ठीक क्या समटाइम जरूरत पड़ गई, आप एमबीए का ही आपका चल रहा है उसमें आपका असाइनमेंट ही आपको टाइप करने का देना पड़े, तो राइट क्या हर बार चैट चैट जीपीटी थोड़ी चलेगा, चलता क्या चलता है चैट जीपीटी, तो उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, समझ गए, अब है एक्सेल पे भी काम कर रहे हो वहां भी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड को मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, क्या आपने बीटेक किया, राइट, बीटेक करने के बाद आप चले गए एक एक वर्कशॉप पे, बीटेक मैकेनिकल किया एक वर्कशॉप पे चले गया, अब वहां आपको मशीन की नॉलेज बहुत अच्छी है, यू आर द गुड इंजीनियर, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है, अब एक गाड़ी को ठीक करने में आपको 2 दिन लग जाते हैं, एक मैकेनिक एवरेज जानता है पर उसके पास स्पीड है, उस मैकेनिक उस गाड़ी को 2 दिन में ठीक कर देता है, तो कंपनी के लिए कौन फायदेमंद है, मैकेनिक या इंजीनियर, नॉलेज हर जगह ठीक है, नॉलेजेबल है बंदा लेकिन स्पीड नहीं है ना, स्पीड भी तो होना स्पीड चाहिए, उसी तरह से आप एक्सेल पे, भी हाँ एक्सेल पे अच्छे जान जाएंगे, वर्ड पे अच्छे जान जाएंगे, बट आपके पास स्पीड नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो,
क्योंकि करने का मतलब यह है कि आप किसी आपके आप हर बार अपने किसी असिस्टेंट को ढूंढोगे, बोले यार लो ये मुझे टाइप करके दे दो। अब वो अवेलेबल हुआ तो ठीक है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है, आपको सडनली भेजना है, पता चला कि आप 2 घंटा आप उस मैटर को टाइप करने में लगा दिए, तो क्या फायदा। सही बात है। सही बात है, नहीं वो तो ये तो प्रैक्टिस से आ प्रैक्टिस से आ जाएगी, मतलब जाएगी। प्रैक्टिस हाँ तो में करना हाँ तो ये पड़ेगा। प्रैक्टिस 1 दिन में नहीं ना होगा। हाँ, नहीं तो होगा आप क्या ये करें, सब। जब तक आपकी क्लास चल रही है तब तक कम से कम टाइम निकाल लीजिए और 5 पेज, 5 पेज ज्यादा नहीं, 5 पेज टाइप कीजिए। और 5 पेज ठीक है टाइप करते ठीक समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि कीबोर्ड की जो कीज है वो ना देखें, ठीक है ना। और दोनों हाथ से टाइप करें। बहुत सारे लोग क्या एक हाथ से ऐसे से टाइप करते हैं, नहीं ठीक है, दोनों हाथ को यूज करें और दोनों हाथ से टाइप करें और करेक्टर्स को उंगली पे याद करने की कोशिश करें और उसको यूज करें, ठीक ठीक है। है ठीक है। हम लोग के जमाने में टाइपिंग स्पीड हम लोग लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले तो ये चलते थे, फेसबुक वगैरह नहीं था ना उस समय, तो उस समय हम लोगों का टाइपिंग रहता मास्टर। था ऑरकुट, ऑरकुट था, रेडिफ का था, याहू का था, याहू मैसेंजर, रेडिफ नहीं था, ऑरकुट याहू मैसेंजर थे। तो हम रैंडम हम लोग चैटिंग करते थे, किसी को बनाए गए चले गए और किसी से मिलकर चैटिंग शुरू कर दिया रैंडम, तो क्या होता था उसकी बातों का जवाब देना शुरू कर देते थे, तो उसमें हमें जो है स्पीड बढ़ने लगता था। तो आपको ऐसे करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा पता चला कि आप लगे अब इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे चैटिंग करने, नहीं आप जो है शुरू कर दीजिए, बस अपना आपका एमबीए का बुक है, एमबीए का बुक उठाइए और उस बुक को ठीक उस है बुक में से ठीक कोई भी एक पांच जो आपको मान लीजिए जो चीज पढ़ना है आपको, मान लीजिए कि ये चैप्टर आपको आज पढ़ना है, वो भी चैप्टर को लिखना शुरू कर दीजिए, सही बात है। सही बात है, दोनों चीजें हो दोनों जाएंगी, चीजें हो प्रैक्टिस जाएंगी। भी हो हम जाएगी और लोग, ये भी। हाँ हम लोग जब यहाँ पे थे स्कूल लाइफ में थे तो हम लोगों के टीचर जो है वो पढ़ने के लिए नहीं बोलते थे, इन्हें बोलते थे बुक लो पढ़ो, पढ़ो मतलब बुक लो लिखना शुरू करो। हम बोलते थे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बोले लिख बुक लो लिखना शुरू कर दो, लिखने से क्या होगा, एक आपकी प्रैक्टिस होगी, दूसरी पढ़ने से ज्यादा लिखने में याद होता है। हाँ, पढ़ने से हाँ ज्यादा लिखने में होता है, वो पांच तो है। बार आप पढ़ोगे और एक बार लिखोगे बाद बराबर होता है। और उनको मैं अभी भी थैंक्स करता हूँ इस चीज के लिए, मैंने अपनी अपनी जितनी भी पेपर्स हैं 2.5 घंटे के पेपर, 3 घंटे के पेपर को हमने 1 और 1.5 घंटे में दे के निकले हैं। अच्छा राइटिंग स्पीड, अच्छा राइटिंग स्पीड, ठीक है। चलिए मैम, तो ठीक है बातें तो होती ठीक है। रहेगी,